अलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ्राइडे का दिन है और मॉर्निंग तो नहीं कर सकते, इसलिए कि जुमे की नमाज़ हो गई है और हम निकले हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि किसी का मूड नहीं था कि आज घर में ब्रेकफास्ट किया जाए। यानी कि जुमे के दिन तो उठते ही हैं और नमाज़ अदा करने के बाद फिर जो भी होता है लंच या ब्रेकफास्ट, तो वो मिला के तो वो अभी बाहर करने जा रहे हैं। इंतहाई शदीद गर्मी है और सन्नाटा देख रहे हैं आप कितना हो रहा है कि ऐसे मौसम में गर्मी में तो सब सुन पड़ा है, बस जिसको खाने पीने की तलाश है बस वही बाहर है। तो जो है डिसाइड ये हुआ है कि आइकिया चलते हैं। आइकिया का ब्रेकफास्ट इतना बेहतरीन होता है और हम काफ़ी अरसे के बाद जो है आइकिया जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम बहुत जाया कर रहे होते थे, लेकिन कुछ दिन तकरीबन मैक्सिमम एक साल हो गया इसको ना, एक साल से ज़्यादा हो गया कि हम यहाँ आए हैं। शॉपिंग करने तो आए थे लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह करने नहीं आए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो तवक्कलना वगैरह ऐप्स जो थी अब तो नहीं दिखानी पड़ती, तो इसलिए कोई इतना रश भी नहीं है डोर पे। और वैसे भी अभी बहुत सन्नाटा है तो बहुत इजी जो है ना, फटाफट हम अंदर आ गए। तो जो है सेकंड फ्लोर पे है यहाँ का बुफे रेस्टोरेंट। तो जो है अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। तो इतना म्यार है ना यहाँ का, और इतना अच्छा लगता है यहाँ आके ना। और इतने सालों से इसकी इस ब्रांच की इतनी सी भी कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन हर चीज़ ऐसी है जैसे ये अभी नया बनाया गया हो। तो मतलब तबीयत खुश हो जाती है यहाँ की सर्विस देख के और यहाँ का सुकून देख के। इतना मज़ेदार इन्वायरमेंट होता है ना यहाँ का कि बस बंदा खुश हो जाए। कोई शोर शराबा नहीं और कोई ज़्यादा क्राउड नहीं। बहुत शाम को तो यहाँ पे फिर भी आपको मरश मिल जाएगा, इसलिए कि जुम्मा है, लेकिन क्या है कि ये टाइम यहाँ का बहुत अच्छा है। तो ये सब वो लगी हुई हैं सेल की चीज़ें, पूरे पूरे घर का सामान, सोफे, डाइनिंग बड़ा सेटअप किया हुआ रखा हुआ होता है कि बस आप ऑर्डर करें और उठा लें। तो जो है बेहतरीन, बहुत अच्छा। और ये हम रेस्टोरेंट के साइड पे आ गए हैं। इतना पीसफुल माहौल है ना यहाँ का और इतना रिलैक्स, आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत सुकून है यहाँ पे। और जो है अब हम यहाँ से अपनी सेल्फ सर्विस स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपको खुद अपना ट्रॉली बनानी है। तो जो है देखते हैं क्या डिसाइड होता है, शेयर करते हैं आपके साथ और आप भी इंजॉय करें। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसमें जो ये बीफ बॉल्स हैं विद मैश पोटैटो के साथ और सॉस के साथ, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं तो ये लूँगी और हमेशा मैं ये लेती हूँ। इसके साथ कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी ले लें आप, या कॉफ़ी कैफेचिनो या एक्सप्रेस, आप रिफाइंडेबल है, आप जो भी है उसको आप जितनी भी कॉफ़ी चाय पी सकते हैं, जो जिसको चाहे वो ऑरेंज जूस ले सकते हैं, जिसको चाहे वो टी ले सकता है। तो मैं इसके साथ कॉफ़ी लाइक करूँगी। ट्रॉली उठा ली है, ट्रॉली उठा के अपनी ट्रे जो है बनाएंगे और जो लाइक करेगा वो अपनी ट्रे भरेगा। तो जो है इस तरह अपनी पसंद का एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, कॉफ़ी और जूस का तो मैंने आपको बता दिया, या वाटर सादा सिंपल, लेकिन क्या है कि अभी आपको ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह का बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सबसे पहले काउंटर आ गया स्वीट डिश का, इसमें चीज़ केक और केक, सिंपल केक और ब्राउनीज़ वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग अभी इसलिए कोई नहीं ले रहा कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ केक वगैरह खाते ही रहते हैं घर में, और फ्रिज में हमारे पास हमेशा स्वीट डिश बनी रहती है, तो इसलिए किसी का मूड नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं जिसको सैलेड लेना है वो सैलेड लेगा, जिसको अपनी पसंद का जो एज़ यू लाइक करें। तो जो है फ़िश की सैलेड बहुत स्पेशल होती है, सलमन फ़िश यहाँ की बहुत मशहूर फ़िश है, उसकी सैलेड भी यहाँ होती है, जो बिल्कुल
लाइट बॉयल की हुई होती है और उसमें आप सॉस वगैरह करके खा सकते हैं। तो ये मेरी बेटी जो है वो सैलेड देख रही है और जो है अभी क्या चिकन वाला लाइक करती है या फिश वाला लाइक करती है ये इसकी मर्जी है। तो जो है ये डिसाइड हो गया, इसने चिकन वाला सैलेड लिया है और जो है आगे हम लोग अब जाएंगे और अपने अपने प्लेट्स को लाइक पसंद से लेंगे। तो आगे क्या क्या होता है आए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तो अपनी पसंद की प्लेट ले ली है, बीफ बॉल मैश पोटैटो एंड सॉसेस वगैरह। और जो है बेटे ने स्टेक लिया है, स्टेक प्लेट ली जिसमें ब्रोकली है और जो है मैश पोटैटो एंड सॉसेस वगैरह। और बेटी ने भी बीफ बॉल लिया और सैलेड लिया फिश की। तो जो है अब यहाँ पे देख रहे हैं और कुछ अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना फिर जो है ये काफ़ी है। और जो है पानी वगैरह उठाएंगे यहाँ से और आगे जाएंगे। जूसेस वगैरह का कोई मूड नहीं है, स्वीट का कोई मूड नहीं है और कॉफ़ी या जूसेस वगैरह और नहीं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पेमेंट की तरफ, यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आगे हम एंटर होते हैं टेबल साइड पे, तो वहाँ पे हमें जो है अपनी कॉफ़ी वगैरह भरनी है। तो आप देख सकते हैं ले लो ये आईकिया की ब्रांच, यानी कि मैक्सिमम 25 ईयर या 28 ईयर से ऐसी की ऐसी है। और जो है मुझे यहाँ के बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं यहाँ की बहुत आदी हूँ और जो है यहाँ मैंने बहुत अपना लाइफ का टाइम इन्जॉय किया हुआ है। शॉपिंग मैं हमेशा आईकिया से करती हूँ। अभी आना है छुरियाँ वगैरह लेने के लिए, बकरीद आ रही है क्योंकि यहीं से हर साल हम लोग छुरियाँ वगैरह भी लेके जाते हैं। क्रॉकरी वगैरह यहाँ की बहुत बेहतरीन होती है, सारा सामान घर में अक्सर मेरा आईकिया का ही होता है किचन में। तो जो है ये ब्लैक ये मेरी बहुत यम्मी सी प्लेट आ गई है मेरे सामने और अब मैं खाऊंगी इसको। इसका जो सॉस होता है यकीन करें ये पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं, कभी मुझे समझ में आता नहीं है। ये कभी मूंगफली का इसमें टेस्ट आ रहा होता है और कभी ब्राउन शुगर का भी आता है और बहुत यम्मी सा ये सॉस होता है। मैश पोटैटो और बीफ बॉल्स हैं और ये सैलेड है, ये बेटी की ट्रे है और जो है तो जो है स्टेक बेटे ने लिया है। तो उसकी जो सॉस है
वो भी बहुत यमी है। इसके इनके स्टेक से ज़्यादा तो इसकी सॉस पसंद है। ब्रोकली और कॉर्न के साथ ये स्टेक है, ये भी बहुत यमी प्लेट है। तो जो हम इंजॉय करते हैं और फिर आपको आगे की तरफ लिए चलते हैं। आप ये चीज़ों के टेस्ट और म्यार यहाँ का, इसको आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे हमें कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। कैफेचिनो मेरी दोबारा आ गई है रिफाइंड होके, और जो है ब्लैक कॉफ़ी मैंने ब्रेकफास्ट से पहले ली थी, और जो है अभी मैं कैफेचिनो इंजॉय करूँगी और हाथ में लेकर उनके गाड़ी में चलेंगे, क्योंकि बस अब घर जाएंगे, काम सारे पड़े हुए हैं, फ्राइडे है और जो है गेस्ट को भी आना है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी बकरीद की शॉपिंग करने, तो आपको आइकिया घुमाऊँगी। इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के बस ग्राउंड फ्लोर, तो वो बस आप एक दिन एक ब्लॉग में तो हो नहीं सकता, लेकिन जिस साइड भी आऊँगी और जो परचेस करूँगी ज़रूर बताऊँगी, और इंशाल्लाह आपको इंजॉय करवाऊँगी कि यहाँ की आइकिया की प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में, प्राइस के बारे में भी बताऊँगी। सेल ऑफर से तो बहुत अच्छी होती है, चीप प्राइस में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और क्या है कि आप चलते चलते कुछ ना कुछ उठा ही लेते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, फ्राइडे व्लॉग, और जो हमने ब्रेकफास्ट इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, और आपको भी साथ साथ घुमाया और यहाँ की सारी चीज़ें बताई। तो बेहतरीन किस्म का एक व्लॉग आपके सामने लेकर आई हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अब चलती हूँ और आपको सारे रास्ते के व्यूज़ भी दिखा रही हूँ। ये देखें अभी पार्किंग खाली पड़ी है, और अभी असर के बाद यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि गर्मी बहुत है। और जो है हम लोग बस ब्रेकफास्ट करने आए थे, रेस्टोरेंट आए थे, और बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, और मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी होती है, चाहे मैं रेस्टोरेंट आऊँ या मैं कोई शॉपिंग करने आऊँ, मैं एक छोटी सी भी चीज़ लेके जाती हूँ, मुझे वो इतनी ज़्यादा पायदार होती है और इतना साला साल चलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और बाहर का यहाँ का बहुत रिलैक्स एक माहौल है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर आप थोड़े से भी वो हों कि आप बोर हो रहे हो कुछ हो, आप यहाँ आ जाए आइकिया, तो आइकिया में आप फुल इंजॉय कर सकते हैं, और बड़ा बड़ी अच्छी यहाँ की एक फीलिंग आती है। तो बड़ा मज़ा आया, और सबसे अच्छी बात क्या थी कि यहाँ पे आज बिल्कुल भी इस टाइम रश नहीं है, वरना यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो जो है बस चलती हूँ, साथ साथ सारे रास्ते का व्यू भी दिखाते हुए जा रही हूँ आपको। हाथ में मेरे कॉफ़ी का ग्लास है और एक हाथ में मेरा मोबाइल है। तो जो है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और जो है ये सारे काउंटर अभी खाली पड़े हुए हैं क्योंकि लोग अभी रश नहीं हैं, तो ये सारे जल्दी जल्दी काउंटर रेडी हो जाते हैं शाम को, और असर के बाद ये सब फुल होंगे और धड़धड़ यहाँ पर लाइनें लगी होंगी काउंटर कराने वालों की। इतना बड़ा एरिया पे इतने काउंटर हैं ना, ये सारे इतनी लंबी लंबी लाइनों पर होंगे क्योंकि लोग खूब शॉपिंग करते हैं, और हर वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर्स भी चल रही होती हैं। तो जो है ये ग्लास में डस्टबिन में डाल रही हूँ, मेरा ग्लास भी खाली हो गया है, और जो है देखें बस ये लास्ट स्टेप है जो हम बस बाहर के डोर की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना रिलैक्स और कितना अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ का,
और इतनी कूलिंग है, इतना ठंडा है।